ਮੀਆਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਰਾਜਾ ਮੀਆਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया। और टीवी टुडे इंडिया में इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, इस दृश्य को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि हम मना रहे हैं आज लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व है आज और बड़ा हर्षोल्लास है यहाँ पर। और हमारे साथ हैं हमारे बब्बू भाई। आज बताएं, ये महफिल है कैसे जमाई? ये महफिल हमारे घर हमारे बच्चे की शादी है, शादी हुई है, उसकी खुशी में ये लोहड़ी का पर्व जो मनाया जाता है, वो सब या तो घर में नई शादी हो, दुल्हन घर आए, उस पर्व में भी खुशियाँ मनाई जाती हैं, या घर में बच्चा पैदा हो, उस घर में भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। ये लोहड़ी का पर्व बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुरानी कथा का मनाया। ये अब्दुल्ला भाटी कौन था? अब्दुल्ला भाटी एक बहुत बड़ा एक फकीर था, उसको एक बच्चा मिला, उसने उस बच्चे को पाला, उसी के नाम से ये लोहड़ी का पर्व अब्दुल्ला भाटी के नाम से ही शुरू हुआ। ये और यहाँ पर ये ढोल ताशे वाले भी हैं, ये गब्बर ढोल ताशे वाले हैं, ढोल ताशों को देखते। और ये जो है आपकी पुत्र वधू है, आज आप बताएंगे, आज आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली लोहड़ी मना रही हो, आप तो कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का टाइम है। लोहड़ी हमारा बहुत त्यौहार है हमारे। और आप बताइए, आपसे पूछे तो आपको कैसा लग रहा है आज लोहड़ी मनाकर यहाँ पर? हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पंजाबी लोग हिंदुस्तान में लोहड़ी मनाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो हमारा ढोल बजाने को मौका मिलता है साल में एक बार, बहुत खुशी का दिन है आज का हमारे लिए। तो बजाइए फिर, बियर मूंगफली खाने के लिए दिन आज का। देख रहे हैं कि बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई मथुरा में लोहड़ी। और ये लोहड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद चंदन आहूजा। चंदन जी, आज तो बड़ी चंदन जैसी चमक है आपके चेहरे पर। सब आप लोगों के आशीर्वाद और भोलेनाथ के प्रसाद से। और कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप लोहड़ी मना रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते जी जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ नव वर्ष में सबसे पहला त्यौहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। और आज सभी वार्ड के सदस्य इकट्ठे होकर इस पर्व को धूमधाम से और बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये अपने दादी को फेमस करेंगे पहले। अच्छा, दादी जी आप लोहड़ी के बारे में बताएं कि ये लोहड़ी किस लिए मनाई जाती है? आशीर्वाद दे दो लोहड़ी भैया। लोहड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। दादी बोल रही है बस आप उठो जी, अभी दादी जी बताएंगी। ये कह रही हैं कि आप और लोगों से भी पूछें जरा, है ना? और आपसे पूछें यदि हम लोहड़ी किस लिए मनाई जाती है? प्यार से मिला आपस सारा परिवार मिल गया। देख लो लोहड़ी का मतलब क्या है, सारे मिल के परिवार इकट्ठा, खुशी रहमता कर दिए चोलियां पर दिए सारे दिशा। अच्छा, एक गाना गाया जाता है लोहड़ी के अवसर पर, वो कौन सा गाया जाता है जो अब्दुल्ला भाटी ने गाया था? और अब्दुल्ला भाटी ने किसकी शादी कराई थी जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था, वो पूरा किस्सा किसी को पता है? अच्छा, अब्दुल्ला भाटी का किस्सा पता है आपको? अब्दुल्ला भाटी का लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? लोहड़ी
एक गरीब की लड़की थी, डाकू ले गई उसको उठा के जी। तो दूल्हा भट्टी वाले ने कहा, उसने कहा तुम ये मेरी बहन है, वो उसको बचा लिया और उसने अपने पास से डाकू जो था उसको बहन में उसको सब कुछ दिया अपने पास से जी जी। और जो वैसे लोई है हमारे त्यौहार में, तो माता कबीर की जो घरवाली थी उसका नाम लोई था, उसको कबीर साहब ने किसी से पूछा, आके किसी ने पूछा कि भी घर में गृहस्थ में वो कैसे रहो, तो लोई को बता दो, दोपहर का टाइम था उस वक्त, उसने कहा लोई माँ सुनो तो सही ना, फिर जी जी लोई माँ जी सुन रहा हूँ मैं आपको, हाँ, सुन रहा हूँ दिया ले आ, दोपहर का टाइम था, वो चुप करके ले आई लालटेन ले आई जी, उसने कहा लालटेन ले आई कि गृहस्थी में रहो ऐसे रहो, जैसे उसने उसने ये भी कहा कि आज दोपहर का टाइम है मुझसे लालटेन क्यों मंगा रहे हो, गृहस्थी में रहो तो ऐसे रहो आपस में मिलजुल के जी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब यहाँ पर हमारे साथी आदित्य आहूजा भी हैं, और आदित्य जी हम चाहेंगे कि अब आप इसको फॉलो करें, आगे बढ़ाएं और बातचीत करें सब लोगों से, आपके तो सब अपने ही हैं और आप भी हमारे अपने ही हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज अब आप टीवी टुडे इंडिया के माध्यम से इन सब लोगों के साथ संवाद करें और योर ओन नेटवर्क को आप अप्लाई करें, अपनी जॉब फुलफिल करें। आइए आप अंदर आइए प्लीज 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 आप। तो आप बताइए मैं क्या बताऊँ, जो रोड की बात करो ना, लोहड़ी की सद्भावना के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे इस बार आया है और पहला त्योहार इस बार लोहड़ी का मनाया है, तो क्या कहना चाहिए, क्या कहते मिलके सारे परिवारों को बुलाया है, अपनी मौका पहला त्योहार मनाया है, हमने देखो बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारा परिवार सारा संगत अपनी सब मिलके मिला रहे हैं इस बार त्योहार को, बहुत खुशी हो रही है इस बारे में। हमें बहुत खुशी हुई, हम आए हैं बहुत अच्छा लगा, हमारी बहू का पहला त्योहार है लोहड़ी का और हमें सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। जैसे वो अपने घर में मनाया करती थी और इस बार पहले वो अपने घर में मनाया करती थी, अब यहाँ पर जैसे मना रही है तो क्या बहू हमारी आनंद में तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी बहू ने यहाँ पर मिलाई है, जोत बुलाओ जरा जोत, यहाँ आजा आजा जोत आजा इधर आ, इधर आ ना, ये हमारी बहू है, इसकी पहली लोहड़ी है, इस परिवार में प्रथम बार आपका ये तो बहुत दुखी करते हैं परिवार वाले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अंतर लग रहा है पहले, कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे वो वाले घर वाले थे वैसे ये वाले घर वाले, अलग महसूस जाते हैं कि पहले वहाँ पे इतना जैसा नहीं हो पाता था, अब यहाँ पर कुछ अंतर, सब कुछ सेम ही है, हाँ मम्मी से लेके भाई से लेके, भाई तो नहीं बहने, खुशी तो बहुत खुशी है, पहले ऐसे आप हस्बैंड नहीं था पहले आपका और अब हस्बैंड है और हस्बैंड के साथ दुगनी खुशी हो गई है, क्या दुगनी खुशी हो गई है, और हमारे जो है इधर आ जाइए प्रधान साहब, हाँ जी हुकुम सर, भाई साहब से बात करें, हाँ जी बोलिए, लोहड़ी के पर्व पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस बार इतने बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे, लोहड़ी की सबको पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है लोहड़ी के अंदर मम्मी की कहना दसो सुंदर है ना, नहीं वो जड़ा पांदे हैं अपना तिल छोड़िया की बोलो, तुम बताओ ना, तुम बोलो, तिल सड़े पाप चढ़े, तिला नी कुड़िया, अच्छा तिल वड़े राते निकड़िया, ईश्वर आ दिलिंदर जा दिलिंदर दी चल चुल्ले चुपा, हाँ जी अब आप इसका अर्थ बता दीजिए रानी भाई साहब, इसको लिए कि लोहड़ी के लिए इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर है भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे घर में आओ, जो हमारे घर में दलिद्रता है उसको सब दूर करो, यही आपसे कामना करते हैं, ये खुशहाली का पर्व है, हर्ष का पर्व है, उल्लास का पर्व है, क्यों आप यही कहेंगी ना जी, ये उल्लास का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है, और आज आप
बहुत वो खुश नसीब हैं जो पूरे इस परिवार में आज एक सितारे की तरह से चमक रही है, है ना। तो इस अवसर पर आप कुछ सुना दीजिए, कुछ अच्छा सा गा दीजिए, कोई एक अच्छा सा गाना जो आपको आता हो, और अगर नृत्य भी आता हो तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, फटाफट। अच्छा गाते हैं कौन? अच्छा गाते हैं ये आपके हस्बैंड? बुलाओ। अच्छा सुनो, आप बुलाओ। अच्छा आप मिलकर डांस करके दिखाओ, चलो है जल्दी से। लोड़ी का टाइम है ना, लोड़ी का टाइम है। हाँ तो दे माई लोड़ी जिबे तेरी जोड़ी सुंदर। ये तो कह रहे हैं कि आप बोलो इनके लिए। डांस हो जाइए, गाएंगे सब लोग और डांस करेंगे आप लोग।